हाँ यहाँ तो सब कुछ इतना महंगा है, इसकी एक डिश में तो मैं रजू खाला की पूरी कमेटी दे दूँ। Very nice. मैं हूँ शिफ्ट इंचार्ज, तो अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप जा सकती हैं यहाँ से। जानता हूँ कौन है? कौन है? हमारी नई बॉस। वो क्या कहे तुझे पीछे क्या बला है? साहब जी वो शफक बीबी के आने का वक्त हो रहा है, आप आराम कीजिए जाकर, वो आपको यहाँ देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे तुम्हारी शफक बीवी को गुस्से के अलावा आता ही क्या है, गुस्सा तो उनके नाक में धरा रहता है। मैं भी उसका बाप हूँ, उसके गुस्से से नहीं डरता। हंसने की क्या बात है, तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं साहब, मेरी भला क्या मजाल है, मैं तो बस ऐसे ही। वैसे आप बना क्या रहे हैं? अरे तुम्हारी शफक बीवी की पसंदीदा डिश। राज भाई, बीबी आ गई साहब, मरवा दिया मुझे। राज भाई जल्दी से खाना लगाएं मुझे बहुत। डैड अभी क्या कर रहे हैं आपको इस वक्त? अच्छा ये क्या बन रहा है? आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे? हाँ अपनी बेटी की पसंद कोई भूल सकता है, और वो भी तुम जैसी बेटी? इम्पॉसिबल। मुझ जैसी? क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन। मेरा मतलब है कि तुम जैसी बहादुर जहीन समझदार बेटी। और हिटलर है ना, यही कहना चाह रहे हैं आप? जानती नहीं, नहीं नहीं नहीं, तू मेरा बहादुर बच्चा है, मेरी जिंदगी मेरी खुशी। अब बेटा तुम्हारी वजह से तो मैं जिंदा हूँ, वरना कब का। कितनी दफा आपको बुलाया, ऐसी बातें नहीं किया। अच्छा जल्दी से खाना बनाना खत्म करें, जल्दी से खाए। Yes. चेंज कर क्या? ओके आप जानते हैं शाहान, बचपन में जब जब आपको चोट लगती थी मैं दर्द से तड़प जाती थी, और फिर उसके बाद अपने ही रोने पे हंसी आती। ये भला आपका दर्द मैं कैसे महसूस कर रही हूँ? हमेशा तकलीफ का सबब बनता हूँ ना? नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ऐसा ही हो, कुछ भी तो नहीं दे पाया मैं, कोई खुशी कोई आसाइश नहीं दे सका तुम्हें मैं, और अब तो नौकरी भी नहीं रही, हर चीज में नाकाम हो गया हूं मैं। किसने कहा आप नाकाम हो गए? मेरी नजर से देखिए ना, मेरे लिए सब कुछ आप हैं, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। मेरी जान, सिर्फ मोहब्बत से जिंदगी की जरूरियात पूरी तो नहीं होती ना यार, आज तक ये घर गिरवी पड़ा है, हर महीने में शेख साहब आते हैं और आधी से ज्यादा रकम ले जाते हैं, हमारा का इलाज भी वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। जानती हो ना मौत के मुंह से वापस आई है वो, जब भी इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है लेकिन देखिए ना, ये चीजें तो जिंदगी में चलती ही रहती हैं, आप अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं ना? ऐसी कोशिश का क्या फायदा उल्फत जिसमें सिर्फ नाकामी है? मैं नहीं जानता, इस घर की जरूरियात को पूरा करने के लिए तुम अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोंटती हो, इन आंखों में सजा एक भी ख्वाब तुम्हें पूरा नहीं कर सका। इसे नाकामी नहीं कहते तो और क्या कहते? ऐसा नहीं है,
ऐसा होता है जिंदगी में, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जो रोजाना बनती और टूटती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। तुमने मुझे घर दिया है, अपना साथ दिया है, अपनी मोहब्बत दी है, मुझे मुकम्मल कर दिया है और कुछ नहीं चाहिए। और फिर जिस घर में इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी हो, वो घर भला कभी नाकाम हो सकता है? नौकरी की फिक्र ना कर, मैंने सोच लिया है, मैं काम करूंगी, कल ही ना मैं आयते करीम का खत्म रखवा लूंगी, फिर देखना यूं झटके में नौकरी मिल भी जाएगी। हाँ हाँ सच कह रही हूँ, बहुत असर होता है इसका, सच्ची। परेशान नहीं हो? सो गुड डैड, बिल्कुल मामा के हाथ का जायका है, बिल्कुल। तुम्हारे मामा ने सिखाया? डैड जब मैं आपके हाथ की नहारी खाती हूँ ना, तो मुझे लगता ही नहीं है कि जैसे मामा यहाँ पे हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल वही खुशबू है, बिल्कुल वही जायका है। ओए ये क्या कर रहे? ओ मामा, तुम्हारी मामा की खुशबू को फील कर रहा था। आपको मना है? अच्छा अब देखो बेटा, वो मेरी बीवी थी यार, मेरा भी कुछ हक बनता है। चलो नहीं खाता। गुड बॉय। सुना है आज ऑफिस में किसी ने रिजाइन कर दिया? मैनेजर का फोन आ गया आपको? मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही छोड़ के गया। बात तो कर लेती। क्या बात करती, वो किसी को बोलने देता ही नहीं है, खुद ही बोलता चला जाता है। शाहान अच्छा एम्प्लॉई है, बात करनी चाहिए थी उससे। जब भी मैं उसे देखती हूँ ना, मुझे एक ट्रेन का ख्याल आता है, एक ट्रेन जो बस जा रही है और किसी के लिए नहीं रुक रही। कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस याद आ गया। क्या हो रही है सब? तेरे लिए दुआ करा रही हूँ ना, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो कहीं जा रहे हैं? हाँ माँ, एक दो कंपनीज में जा रहा हूँ जहाँ पहले से ऑफर आई थी, सोचा उनसे मिल लूँ, शायद कुछ हो जाए। चलो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हेलो। अरे कहाँ यार, सुबह से 10 बार कॉल कर चुका हूँ। क्यों, ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई? बेटा मुसीबत तो तब पड़ेगी जब आप ऑफिस नहीं आएंगे। ऑफिस मतलब? बेटा बॉस ने बुलाया है, इसलिए हवा की सवारी लो और फौरन हाजिरी दो। ओके ओके हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? बॉस ने बुलाया है, लगता है आपकी ये दुआ काम कर गई। अम्मा मैंने कहा था ना, चल जा। चले अल्लाह हाफिज। मदद कर ले, अल्लाह हाफिज। मैं जैसे ही मुझे मंसूर की कॉल आई तो मैं भागता हुआ आया हूँ मैडम, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या काम होगा, इसलिए मैं फौरन आ गया मैडम आपके पास। जी बताइए, बताइए मैडम क्या काम है?
पानी पी। थैंक यू मैडम। जी मैडम आप बताइए क्या काम? आप पहले सांस लेने। अब मैं ओके बिल्कुल ठीक हूँ रिलैक्स। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? चाय पियेंगे या कॉफी? जी आई थिंक चाय सही रहेगी। जी दो कप चाय भेज दें प्लीज कमरे में। थैंक यू। या अल्लाह मेरे घर को हासिदों की नजर से महफूज रख। आमीन। तूने क्यों नहीं बोला आमीन? हाँ हाँ आमीन 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 आमीन। या अल्लाह मेरे शोहर की नौकरी बहाल कर दे। आमीन आमीन। अरे उल्फत शादी की दुआ तो मांग। हाँ हाँ या अल्लाह इसका भी डिफेंस रिश्ता भेज दे। आमीन आमीन सब आमीन। चलो भाई चलो दुआ। एक मिनट एक मिनट अल्लाह मियां एक मिनट अल्लाह मियां मेरा प्राइस बॉन्ड में निकाल दे प्लीज। आमीन 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 सब आमीन। इसका प्राइस बॉन्ड कभी ना निकले। बहनों बोलो आमीन। हाँ आमीन 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 आमीन। आप हमेशा इतना ही बोलते हैं या ये अभी का मसला है? जी मैं कुछ समझा नहीं मैडम। यही तो मसला है आप ना ही समझते हैं और ना ही सुनते हैं। नहीं नहीं मैडम मैं अच्छा खासा इंटेलिजेंट हूँ। इस बात का भी फैसला आपने खुद ही किया होगा ना? जी मैडम। जी आप जा सकते हैं। ओके मैडम। इसे ये तो पूछें कि आप कहाँ जा सकते हैं? मैडम मैं तो घर ही जाऊँ और कहाँ जा सकता? नहीं मैंने आपको घर से इसलिए नहीं बुलाया। आप अपने कैबिन जा सकते हैं काम करने। आप मुझे मेरे प्लीज थोड़ा कम बोला करें। मैं बहुत कम बोलूं मैं आपसे। थैंक यू। रिपोर्ट भेज दीजिएगा मुझे मैंने बता दिया। मैडम मैं सारी रिपोर्टें आपके लिए मैम। मैं थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। मैं आपको बता नहीं सकता। थोड़ा कम। थैंक यू मैम। हेलो देखा मैं ना कहती थी आई थिंक क्रीम का हसार ही अलग होता है। देखो कैसे झट से नौकरी मिल गई। हाँ हाँ सारा कमाल तुम्हारा है मेरा टैलेंट कुछ नहीं। टैलेंट मैडम कुछ नहीं होता। टैलेंट होता तो प्रमोशन ना हो जाती। देखो आप तो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। अच्छा चलो छोड़ो ये लो मुंह खोलो। जॉब की खुशी में? नहीं नहीं खत्म का है और खाओ ना। बस बाबा क्या बात है डाइट पे चले गए हो? किसके लिए डाइट हो रही है? कोई है किसी को दिखाना है? अरे हाय हमारी किस्मत ऐसी कहां है। अल्लाह आहें कैसे भर रहे हो? हाँ सच सच बताओ कोई है क्या वाकई है? हाँ वैसे बंदा जितना भी शरीफ है बीवियां हमेशा शक्कू होती है। शरीफ शक्ल तो देखो ना दिलाए करो ना शक। तुम्हारे होते हुए मेरा जहान कहीं और जा ही नहीं सकता। तुम्हारी मोहब्बत का हिसार इस कदर पक्का है। अल्लाह सच्ची मुच्ची। अरे अच्छा इधर उधर उधर क्या? अरे हाथ धोना यहाँ। मेरी प्यारी से जानू से भी आपको हमारी मोहब्बत के साथ का 10वां साल मुबारक। तो याद था? मैं खुद को भूल सकता हूँ इस तारीख को नहीं भूल सकता जब आप मेरी जिंदगी में बहार बन के आए। हैप्पी एनिवर्सरी डियर वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू डियर हबी। मेरा गिफ्ट निकालो निकालो। गिफ्ट तुम्हारा सरप्राइज है। सरप्राइज
तुम्हारी खुशी के लिए मुझे किसी की कसम की जरूरत नहीं। अच्छा तो इसका मतलब तुम मुझे बोला के दे रहे हो? हर साल से सोच रहा था, इस साल मैंने सोचा। खाला को बता कर आती हूँ। खाला, आई खाला बात कर रही है। उल्फत, क्या तुझे पूरा यकीन है कि ये वही वाले झुमके हैं जिसके बारे में शान भाई ने तुझे कहा था? लो तोबा तोबा, मैंने भी कभी झूठ बोले? मुझे पता है इसकी कीमत क्या है। मुझे क्या पता, शाहान को पता होगा। मैं तो बस फरमाइश करती हूँ, शाहान पूरी करते हैं सारी चीजें। वाह भाई, तेरे तो मजे। वैसे कब आ रहे हैं तेरे ये झुमके? एनिवर्सरी का गिफ्ट है, आज ही आ जाएंगे। सच्ची आज ही आ जाएंगे? हाँ। अच्छा तू कल कमेटी की पार्टी में पहन कर आएगी ना, इसी बहाने हम भी देख लेंगे झुमके तेरे। हाँ, अच्छा चलो पहन आऊंगी। चाय पियोगे? अच्छा लेके आती हूँ, बिस्किट भी ले आना साथ में। हाँ अल्लाह करे इसको ये झुमके पहनने नसीब ना हो। नसीब क्या नसीब ना हो? अरे पगली, मैं तो कह रही हूँ नसीब हो, हमारे बदले का भी तुझे ही नसीब हो। बोल ना। आमीन आमीन आमीन। खुदा गलत करे उन डकैतों को। अरे उनको पता कैसे चल गया कि मैं बैंक से पैसे निकाल के लाया हूं यार, और अब वो इंतजार कर रही होगी घर पे। उसे वादा किया था मैंने कि मैं तोहफा ला रहा हूं। जानता यार मेरे पास पैसे होते तो मुझे ये दे देता यार। हाँ जानता हूं मैं मंसूर, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मैं किस मुंह से घर जाऊंगा यार। तुझे पता है चार साल से ये तोहफा मैं उसे देना चाह रहा हूं यार। आइडिया। क्या आइडिया? तू बैठ मैं आ रहा हूं। क्या 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 क्या, कहां जा रहा है? अरे तू बैठ तो मैं आ रहा हूं। अबे I'm so sorry. ये क्या मंसूर, ये नकली है? अरे इतना मत सोच, मैं अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स के लिए यहीं से लेता हूं। और उनको पता नहीं चलता?
जब तक उनको पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। अभी भाभी को यही दे दे, कल को जब अफोर्ड कर सके तो असली वाली दे देना। और अगर उल्फत को पता चल गया तो? और अगर तूने भाभी को आज की तारीख में तोहफा नहीं दिया तो? आ गया शाहान? नहीं खाला, कब से फोन भी ट्राई कर रही हूँ, फोन भी बंद जा रहा है। अल्लाह खैर, कहाँ रह गया? मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया उसने। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करे। अल्लाह खैर। अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, कल ही तेरा सदका उतारती हूँ। तुम बहुत खुदा गारत कर उन मनहूस मोबाइल छीनने वालों को मेरे बच्चे का क्या हालत बना। सुना ज्यादा परेशान ना होना, जो होना था हो गया। चले आप कमरे में, चले आपको। अरे मैं तो कर लूंगी आराम, तू जा आराम कर। तू चली जाऊंगी खुद। अरे चलो देख रहे क्या हाल कर। कोई मसला नहीं। अरे बस कर दो उल्फत, नहीं लगी किसी की नजर, क्या हो गया यार? जब हर वक्त तुम्हारे मोहब्बत के हिसार में रहता हूं तो भला किसकी नजर लग सकती है मुझे? तो जाती हूं मैं। तुम्हें हवा पे छुके गुजरती है ना तो सहम जाती हूँ मैं। हाँ तो जब ऐसी मोहब्बत मेरे साथ होगी तो भला मुझे क्या कुछ हो सकता है? कानों को देखो जरा, ये बालियां जरा नहीं जच रही हैं, क्योंकि इनको इंतजार है झुमकों का। नहीं। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। भाई जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जुमको का क्या है, फिर आ जाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत कैसी है उल्फत, कभी ठंडी छांव बन जाती है और कभी बरस कर बारिश बन जाती है। क्या चीज हो तुम उल्फत, मगर जो भी हो ना, मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी का हासिल हो, और आज मैं अपनी जिंदगी की खिदमत में छोटा सा तोहफा पेश करना चाहता हूं। तुम बहुत खूबसूरत है, आप असली मिले खाला को दिखाती हूँ। अरे 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 ठहर जाओ, वो सो रही होंगी, सुबह दिखाते ना तुम। मुझे तो पहन के दिखाओ मेरी उल्फत पे कैसे लगते हैं। पहन के दिखाओ। अरे अल्लाह, नहीं आ रहा। ये वही 75,000 के है ना? हाँ, थे, लेकिन अब ये करोड़ों के हो गए। Thank you.
आइए आइए। सुबह से पूरे महल में जिक्र है तेरा। सच बता, क्या वाकई शाहान भाई ने तुझे इतने महंगे झुमके दिए हैं? लो और सुनो, अब इतनी बड़ी बात में मजाक में तो नहीं कर सकती ना। शाहान तो ना मेरी एक नजर के मंतजर है। इधर मैंने फरमाइश की नहीं, उधर पूरी। अरे छोड़ सारी बातों को, अब दिखा भी दे झुमके। मुझे रात से नींद नहीं आई इनको देखने के चक्कर में। अच्छा दिखा तो देती हूँ, लेकिन दूर दूर से देखना भाई, महंगे है ना, टूट जाते हैं। हाथ नहीं लगाओ, मना किया है ना। आए हाय उल्फत, कितनी झूठी है तू, हमें बेवकूफ समझाई क्या? तू इन झुमकों के लिए इतना इतरा रही थी, बेचारी शकुरन की रात की नींद भी बर्बाद हुई। क्यों, क्या हुआ है? ने भी नन्नी ना बन, नकली चीजों को हजारों का ना समझ। पागल हो गई हो, नकली नहीं है, असली असली, हाथ लगा लो। हाँ ये नकली ही है, नकली चीजों की हिफाजत नहीं होती, लोग मुंह पे मार जाते हैं। अब देख, खुद सोच कर देख, रकम लेकर जो चले गए वो इसे क्यों छोड़ गए? क्या क्या बकवास कर रही हो? हकीकत है भाई, अब अगर तुम्हें हमारी बात बकवास लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उल्फत, तुम्हें खड़े कोटे की पहचान नहीं है। बंदे को इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि बाद में खुद से शर्मिंदा होना पड़े। अरे हाँ तो और क्या, ऐसे तो मेरे घर में 10 पड़े हुए भाई, मेरे मियाँ का तो काम ही यही है। वैसे ना शान भाई ने तेरी सादगी का भरपूर फायदा उठाया भाई, नकली चीज को असली कह के दे दिया, उनका काम भी हो गया और तू भी खुश हो गई। मेरी जान, इतना बात करना ठीक नहीं है। कमेटी के पैसे तो दे दीजा। अरे हजारों में तो कैसे बात कर रहा था। अपडेट्स हमें हर 15 दिन चेक करने होंगे, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है ना? Yes. सबा, do you understand? मैं, yes, you know? शाहान? शाहान? Yes, ma'am. आपके साथ कोई मसला है? No, ma'am. अगर बहुत जरूरी है और आपका मीटिंग पे ध्यान नहीं है तो फिर आप बाहर जाके अपना फोन चेक करें। वो, ma'am, actually, मैं सॉरी, थोड़ी सी एक इमरजेंसी तो है, अगर अगर आप बुरा ना मनाए तो बस मैं 5 मिनट में वापस आता हूँ। थैंक यू मैम। रेस्ट ऑफ यू ऑल प्लीज अपने नोट्स बना लें एंड वी विल हैव अ मीटिंग अगेन एट 5 o'clock। कितनी झूठी है तू, झूठी है तू, हमें बेवकूफ समझाई क्या? शान भाई ने तेरी सादगी का भरपूर फायदा उठाया, नकली चीज को असली कह के दे दिया, उनका काम भी होगा और तू भी खुश हो गई। कुछ बड़े कोटे की पहचान नहीं है, बंदे को इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए बाद में खुद से शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेरी जान, मैं हमें बेवकूफ समझाई क्या? शान भाई ने तेरी सादगी का भरपूर फायदा उठाया, नकली चीज को असली कह के दे दिया, उनका काम भी होगा और खुश हो गए। खड़े कुत्ते की पहचान नहीं है। झूठे धोखेबाज, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत करती हूँ। क्या कर रहा है? तुझे मीटिंग में नहीं होना चाहिए यार। वो उल्फत मेरा फोन नहीं उठा रही मंसूर। तुम मीटिंग में बैठकर भाभी को कॉल कर रहे थे, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? देख देख देख, मुझे लगता है कुछ बहुत गलत हो गया है, मुझे लगता है उसको पता लग गया यार। ज्यादा सोच नहीं ना, ज्यादा अंदाजे लगा, समझ रहे? मैं अंदाजा नहीं लगा रहा मेरे दोस्त, समझ नहीं रहा। देख, जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उल्फत मेरा फोन काटे, और पिछले 3 घंटे से मेरे साथ यही हो रहा है।
मुझे लगता है कुछ गलत हो गया, इसको पता लग गया। सुन सुन, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तू यहाँ संभाल, तू संभाल, मैं जा रहा हूँ। नहीं करना, मैं जा रहा हूँ मंसूर। उल्फत कहाँ है? अरे क्या बताऊँ बेटा, जब से वो तीन औरतें तीन कहानियों के घर से आई है ना, कमरा बंद कर रहे पड़ी हुई है, कुछ बताती भी नहीं, कमरा भी नहीं खोलती। क्यों, किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं क्या जानू, कुछ बताए तो पता चले ना। चार दफा जा चुकी उसके कमरे के पास, बस अंदर से आवाज लगा देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छी खासी हंसती खेलती गई थी मेरी बच्ची घर से, तो मनहूसों ने क्या कह दिया, क्या कर दिया कि उसकी तबीयत ही नहीं ठीक हो रही किसी तरह। बाबा तबीयत नहीं, उनका मूड खराब है, मुझे मारा भी था। चुप, बड़ों की शिकायत नहीं करते। अच्छा अम्मा को तंग करोगे तो जाहिर है डांटेगी ना। चले आप, परेशान हो, मैं देखता हूँ उसे। जाकर पता कर। उल्फत दरवाजा खोलो यार, ये क्या बचपना है। अरे नहीं करो ना यार, ऐसे हुआ क्या बताओ तो सही। अच्छा प्लीज दरवाजा खोलो ना, खोलो ना दरवाजा। हो गया तुमने क्या, और इस कतर अंधेरा क्यों किया? बत झूठ क्यों बोला मुझसे? वो क्यों झूठ बोला? अरे नहीं दिला सकते तो झूठा दिलासा ही दे देते, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? करोड़ों के? हाँ करोड़ों के, अरे खाक के भी नहीं है ये। हंस रहे थे सब मुझ पे, मजाक बना रहे थे मेरा। जानते हो कोई किसी का मजाक बनाते तो कैसा लगता है? मजाक बना के रख दिया तुमने मेरा। मैं खुशी देखना चाहता था ना तुम्हारे चेहरे पे, हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ, इसलिए हाँ। तो देखो ना, देखो देखो कितना खुश हूँ मैं। अरे आज तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, इतना खुश हूँ मैं, इतना खुश हूँ कि सब मुझ पे हंस रहे थे कि उल्फत अपने शौहर के हाथों जलील हो गई है। देखो ना, मैं नीचे मुँह क्यों किया, नीचे क्यों मुँह करो, देखो देखो ना कितना हंस रही हूँ मैं, मुस्कुराहट जा ही नहीं रही है मेरे मुंह से। नहीं नहीं करना चाहिए था ऐसा मेरे साथ। I'm so sorry. यहां से जा रहे शान, कहाँ जा रहे हैं? अरे
बेच खुशियां खरीद लाए गम, छोड़ के तुमको याद आए तुम, क्या मैं दुनिया का करूं तू जो मेरा न रहा, भूल मैं फैसला कर लिया, जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया। अरे नहीं दिला सकते तो झूठा दिलासा ही दे देते, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्या कह रहे थे? करोड़ों के? हाँ करोड़ों के, अरे खाक के भी नहीं है ये, हंस रहे थे सब मुझ पे, मजाक बना रहे थे मेरा, जानता कोई किसी का मजाक बनाता तो कैसा लगता है? देखो कितना खुश हूँ मैं, इतना खुश हूँ कि सब उन पे हंस रहे थे कि उन पर अपने शौहर के हाथों जलील हो गई है। अलविदा।